Hi, this is Shraddha and you are watching Bollywood Bazaar. फिल्म माचिस से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले जिमी शेरगिल का मोहब्बतें और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी हिट फिल्मों में काम करने के बावजूद करियर ग्राफ उतना ऊपर उठ नहीं पाया जितने के वो हकदार थे। अब जल्द ही उनकी अगली फिल्म रिलीज होने वाली है हंसते हंसते। दिस फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय आशुतोष वाजपेयी एंड शिवराम कुमार एंड डायरेक्टेड बाय रमनजीत जुनेजा। और अगर बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो इसमें जिमी शेरगिल के साथ होंगे राजपाल यादव और दो नए चेहरे निशा रावल एंड मोनिश्का। इट्स अ वेरी यूथफुल पिक्चर। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कोई जापान से है, कोई चाइना से है, कोई कोरिया से है, पर अपना देश छोड़ के वहाँ सब लोग एक साथ में एक हॉस्टल के अंदर कैसे रहते हैं। तो ये पूरा इज़ अ मोटिवेशनल पिक्चर कि हाउ एवरीबॉडी शुड लिव टुगेदर स्माइलिंगली एंड हैप्पीली। बेसिकली मेरा कैरेक्टर एक लड़के का है जो अमेरिका में एक बिजनेस स्कूल में पढ़ता है। लोग समझते हैं कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, वो एक दिन बहुत तरक्की करेगा। upper class Catholic girl who was born and brought up in New York, and her name is Maya Fernandez. She's a very effervescent, bubbly character, full of life and stuff. But at some point of time, when Jimmy gets a job opportunity to come to India and set up a call center, and उसे लगता है कि उसका प्यार उससे अलग हो रहा है, so you know she is very depressed, but still she maintains a balance. लीग से हटकर तो नहीं, लेकिन ट्रिपल रोल है और एक अच्छा एक जो है कॉमिक सिचुएशन वाला ट्रैक है, और अच्छा है कि ट्रिपल रोल करने का पहली बार ऐसा मौका मिला। तो अलग अलग मूड से तीन रोल, जो बाप भी है, बेटा भी है और चाचा भी है। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने और लिरिक्स हैं समीर के। तो आइए जानते हैं म्यूजिक के बारे में इनका क्या कहना है। Music has always been in my heart, and I had the great opportunity of sitting down with Anu Malik ji and Sameer ji at the music settings just over a year ago, and to see how the magic that Anu ji weaves in those words and those great lyrics by Sameer, and the magic with which you see the music come alive. For me, it was a first time experience, and I just had a wonderful time, and I really appreciate very much. So let's hear from a man who did the magic for this movie, Shri Anu Malik. Haste Haste is music that comes from my heart, not only for the listeners, but especially for Mr. Tony Wright, who is just standing beside quietly. And I'd like to bring him in front, because this is for him, this is specially for Tony. And thank you for being there for me when I needed you the most. And if you think I've done something good for you, thank you so much. And apart from that, Mr. Kumar, who was always encouraging, and hope the music does well, because it's with T-Series, Inox are behind it, lovely lady, the song picturization, Pony's done a great job. Pony also is quiet around there, but she, I know her from a long, long time. And the whole magic is there. What I saw, I would say that we all have worked for it, and I hope the people love it. Thank you so much. This kind of film, its title says, you will feel laughing, laughing. It's a very cute film, very romantic film, and जब इसकी कहानी सुनाई गई, बहुत पसंद आई कहानी। और सबसे अच्छी बात रही कि इनको, इन्होंने पूरा फ्रीडम दिया हम लोगों को। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छा म्यूजिक हमको बना के दें, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, और एक ऐसा म्यूजिक जिसको आप गली में, घर में, गाड़ी में, कहीं भी सुन सकते हैं, और इसमें रोमांस के सारे एहसास कहीं ना कहीं पिरोए गए हैं। तो मैंने और अन्नू ने मिलकर एक अच्छी कोशिश की है, मुझे लगता है लोग सराहेंगे इसको। वेल, म्यूज़िक तो आज आपने देखा होगा, अन्नू मलिक ने दिया है, और उससे मेरी बहुत पुरानी जान पहचान थी। उन्होंने हमारे साथ 3-4 पिक्चरें पहले भी की हैं। तो इस पिक्चर में आई वॉन्टेड समबडी लाइक अनु मलिक, बिकॉज ही बिलीव्स इन मेलोडी एंड आई ऑल्सो लाइक मेलोडी, सो वी डिसाइडेड विद अनु मलिक। आई लव द बिगी बिगी ट्रैक, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज आई एम रियली नॉट द काइंड हु वुड लाइक अ फुट थम्पिंग नंबर, बट एट टाइम्स आई डू, बट ओवरऑल आई लाइक द बिगी बिगी, एंड द सेकंड बेस्ट आई लाइक इज ओम नमः शिवाय। मेरा फेवरेट गाना इस फिल्म के अंदर है अलमदा, and I simply love the music of this film. बहुत पहले एक फिल्म साथ में की थी, और बहुत दिन बाद एक साथ में फिल्म दोनों ने अमेरिका में शूट की, तो अच्छा लगा, मज़ा आया। कोसा राजपाल के साथ में पहले
ये ज़िंदगी का सफ़र और हासिल में काम कर चुका था. बहुत सालों से हम लोग सोच रहे थे कि फिल्म साथ में करेंगे एंड फाइनली वी गॉट टू वर्क टुगेदर इन दिस फिल्म. बहुत मज़ा आया. दोनों लड़कियों ने बहुत मेहनत की. आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई थिंक दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ देम. आई थिंक म्यूजिक अगर फिल्म का चल जाए तो इट्स सक्सेस ऑन इट्स ओन. सो आई एम श्योर कि द फिल्म शुड रॉक. आई मीन आई हैव केप्ट माय फिंगर्स क्रॉस एंड आई बिलीव इन द प्रोजेक्ट. दैट्स द रीजन व्हाई आई इवन पुट माय हैंड्स इनटू इट. आई एम श्योर इट विल गो प्लेसेस एंड पीपल विल लाइक द फिल्म. बॉलीवुड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्दी वापस आएंगे. सो डोंट गो अवे. वेलकम बैक. अब मिलते हैं फिल्म रंगरसिया की टीम से, विच इज डायरेक्टेड बाय केतन मेहता एंड प्रोड्यूस्ड बाय आनंद महिंद्रा एंड दीप साहनी. इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा एंड नंदना सेन. राजा रवि वर्मा भारत के महान कलाकार हैं, जिनका असर हम लोग आज तक देखते हैं. वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कि भारत के अपने भगवानों को एक चेहरे दिए, उनको पहचान दी. वो मॉडर्न आर्ट के पिता समझे जाते हैं. इसके अलावा मैंने एक नॉवल पढ़ी जिसका नाम था राजा रवि वर्मा, और जिसमें उनके जीवन के ऊपर आधार बना के फिल्म बनाई गई थी. और उसमें ये जान के बहुत ही ताज्जुब हुआ कि आज से 100 साल पहले इतने महान कलाकार को के ऊपर भी ऑब्सिनिटी का केस चलाया गया और आज हम देख रहे हैं कि उसी तरह का माहौल फिर से बनता चला जा रहा है. इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी कहनी ज़रूरी है, जिससे कि आज के लोगों को भी ये समझ में आए कि हम कितने पीछे जा रहे हैं. मुझे पहले तो उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, और नाम सुना था, पर उन्होंने जब बताया कि उन्होंने जो काम किए हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बचपन से हम उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स के आगे पूजा करते आए हैं, माथा टेकते आए हैं. तो जब वो मैंने रियलाइज़ किया तो एक कहीं तो पसीने छूट गए और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर उसके बाद उनकी रिसर्च बहुत ही उम्दा थी इसके ऊपर ऑलरेडी, और फिर मैंने भी बहुत रिसर्च की. You know, I really studied Ravi Verma's paintings because his heroines always have a certain way of carrying themselves, whether it's the way the hand gestures that they have, whether it's the way they look through their eyes, which is very flirtatious but very unselfconscious, whether it's the way they carry off their navari saris. All of these things were a journey of discovery for me. हमारा किरदार एक पारसी जर्नलिस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करती है 1870s में. वो राजा रवि वर्मा का बेस्ट फ्रेंड है और उसके आखिरी मूव्स हैं फिल्म में. पेंटर के पीछे जो इंसान हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही रंगीले इंसान थे. तो कहीं अपने अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी और रंगीनपना और उसको उभार के, और केतन की मदद से जिन्होंने मुझे एज एन एक्टर बहुत नरिश किया, कभी किसी चीज़ को ना नहीं किया, चाहे वो एक और टेक हो, चाहे वो एक आधा शॉट दोबारा लेना हो, या मैं किसी चीज़ को मैं बोलूं कि मैं वो बेटर कर सकता हूं, तो बोले बिल्कुल कोशिश करो. और उन्होंने एक मेरी पर्सनालिटी का डिफरेंट एस्पेक्ट उभार के बाहर लाए हैं. तो आई एम रियली हैप्पी आई डिड द कैरेक्टर. सुगंधा पोज्ड फॉर अ लॉट ऑफ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, but you know, she was a devadasi, she belonged to the 19th century. It was for me wonderful to actually physically become this character, because it was the first time I was playing a character that was so Indian, that was entirely historical. It was really fun wearing navari saris around the house to get used to it, to have the really long hair, to have the nose pin, to have the waist chain, all of those things. It was great actually, because once I finished doing the film, I realized that I had kind of gotten addicted to all of these little historically feminine ways of being an Indian woman, and it was a really beautiful journey for me. अब चलते हैं नज्म शराज की म्यूजिक एल्बम की लॉन्चिंग पर, जिसका टाइटल भी उन्हीं के नाम पर है. बाबू के रिश्ते जो है वो तीन यंग लड़कियों की स्टोरी है, 14, 18, 16, जो तीनों बहुत टॉर्चरस एक्सपीरियंस से गुजर रही हैं. एक जो है वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से, दूसरी लड़की जो है वो एक पार्टी में, इट्स अ डेट रेप सीक्वेंस, वेरी वेरी सीरियस सीक्वेंस. थर्ड सीक्वेंस इज अबाउट विच इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, अ गर्ल
जो इज मोलेस्टेड बाय हर स्टेप फादर ट्राइज टू मोलेस्ट हर विच इज तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो विच शारीन मंत्री केम अप विथ अ वेरी फैबुलस डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया वी वॉन्टेड टू टच हार्ट्स के लोगों को म्यूजिक की सीरियसनेस जो है वो वाला सिलसिला बरकरार रहे जो हमेशा से है. मेरा एल्बम जो है वो यंगस्टर्स का एल्बम है हर उस इंसान के लिए जिसके दिल में फीलिंग्स हैं सेंसिटिविटी है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट फैंटसी और हल्ला गुल्ला और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसमें एल्बम में लेकिन फीलिंग्स बहुत इमोशनल हैं. बी इट ख्वाबों के रिश्ते और दिल तुम्हारा भी है और माहिया आई थिंक जो ख़ास बात है इस एल्बम की वो इसकी एनर्जी और इसकी सेंसिटिविटी है. और म्यूजिशनशिप चूँकि सारे इंग्लिश वेस्टर्न म्यूजिशंस हैं और मेलोडीज़ हमारी अपनी धरती की हैं तो बड़ा अच्छा मैरिज हुई है दोनों कल्चर्स की एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द रिस्पॉन्स. Kher is an amazing singer. He has a very unique voice. Face mera usse milta hai. To main jaise maine aapse kaha ki meri mother ki side jo hai wo Jodhpur se hai aur mere dada jo hai wo unki family Lahore se migrate karke partition mein yahan aa gayi thi. To ho sakta hai Kailash Kher jo hai wo mera bechla hua bhai ho. I don't know. I would love to have a Surila brother, you know. I don't mind. बॉलीवुड बाजार में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का लेकिन ब्रेक के बाद बॉलीवुड गर्मा गर्म और क्या बोलती पब्लिक अभी बाकी है. वेलकम बैक. अब देखते हैं क्या है बॉलीवुड में गर्मा गर्म. फिल्म गरम मसाला की अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की हिट जोड़ी को एक बार फिर आप देख सकते हैं सिल्वर स्क्रीन पर स्टूडियो 18 की आने वाली फिल्म में जिसका निर्देशन करेंगे अनीस बख्शी. आजकल बॉलीवुड में अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन की सबसे हॉट जोड़ी मानी जा रही है जिसके चलते डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार राज की अभी से काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है. सुनने में आया है कि मणिरत्नम और राजीव मेनन भी इन्हें अपनी अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं. अब देखना यह है कि ये रियल लाइफ जोड़ी इनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है. सुनील शेट्टी द्वारा प्रोड्यूस फिल्म लूट के लिए गोविंदा ने अपना 8 किलोग्राम वजन घटाया है. इसके लिए वे सुनील शेट्टी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे खाने पर खास ध्यान देने के लिए कहा था. गौरतलब है कि इसी फिल्म के लिए मिमोह चक्रवर्ती ने भी अपना 18 किलोग्राम वजन घटाया है. अब इनका घटाया हुआ वजन फिल्म के लिए कितना कारगर साबित होगा ये तो इसके रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा. बॉलीवुड में छीना झपटी का मामला तो शुरू से ही चलता आ रहा है जिसे कायम रखा राखी सावंत ने. सुनने में आया है कि स्टैम्प घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की जिंदगी पर बनी फिल्म मुंद्रांक में संभावना सेठ एक आइटम सॉन्ग कर रही थी जिसे अब राखी सावंत करने वाली है. इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्रियों में फिल्मों से कुछ अलग हटकर करने का जुनून सवार हो गया है जिसमें शामिल हो गई हैं आयशा टाकिया भी. वे अपने दोस्त के साथ मिलकर होटल इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं जिसके चलते वे गोवा में जल्द ही एक शानदार होटल खोलने की योजना बना रही हैं. बॉलीवुड गर्मा गर्म के बाद रुख करते हैं क्या बोलती पब्लिक की ओर. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर दो हिंदी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं. वी कैन से दिस वीक इज ओनली फॉर फ्रेशर जहां विवेक शर्मा बतौर डायरेक्टर भूतनाथ फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती बॉलीवुड में दस्तक दे रहे हैं. तो चलिए पहले बात करते हैं बी आर चोपड़ा की फिल्म भूतनाथ के बारे में. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड अ घोस्ट और घोस्ट के किरदार में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन. इस फिल्म में शाहरुख खान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म के लिए पहली बार जूही चावला ने एक गाना गाया है. इस फिल्म का म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने. तो चलिए देखते हैं क्या बोलती पब्लिक इस फिल्म के बारे में. बहुत अच्छी मूवी है. सबका काम बहुत अच्छा है. फैंटास्टिक. आई थिंक इट वाज फैबुलस. अच्छी मूवी. वेरी गुड. वेरी नाइस. अच्छे. वेल आपने देखा भूतनाथ फिल्म के रिव्यूज काफी अच्छे रहे. अब बात करते हैं राज सिप्पी की फिल्म जिमी के बारे में. इट्स अ एक्शन ड्रामा फिल्म. इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती के साहबजादे मिमो चक्रवर्ती और इस फिल्म में उनकी को स्टार है विवाना. वेल शी इज ऑल्सो डूइंग डेब्यू इन बॉलीवुड फ्रॉम दिस मूवी. इस फिल्म का म्यूजिक दिया है आनंद राज आनंद ने. तो चलिए देखते हैं हमारी ऑडियंस ने इस फिल्म को कितना पसंद किया और कितना नापसंद किया.
बहुत ही गंदी जिंदगी में सबसे गंदी पिक्चर। सर मुझे डांस बड़ा अच्छा लगा, बस रोल बड़ा अच्छा लगा उसका, मिथुन चक्रवर्ती लड़का का बड़ा अच्छा रोल लगा, अब बहुत अच्छे। आज के बॉलीवुड बाजार का सफर बस यहीं तक। See you in next episode. Till then, goodbye and take care.